नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फरवरी का महीना मेष से लेकर मीन राशि तक यानी कि 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज इसी वीडियो में बताएंगे। किस राशि के लिए कितना शुभ है और किस राशि के लिए अशुभ है, साथ ही साथ उपाय क्या करें ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। फरवरी के माह का राशिफल संपूर्ण 12 राशियों का इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, इसके बिल्कुल मत करें। आपकी राशि जो भी हो, इस वीडियो में बताए गए उपाय के अनुसार यदि आप आगे बढ़ेंगे तो फरवरी का माह आपके लिए सफलता, उन्नति और शिखर पर पहुंचने का जबरदस्त आयाम साबित होगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ भी प्राप्त हो। साथियों, 7 फरवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 13 फरवरी को रवि कुंभ राशि में, 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में और 27 फरवरी को बुध पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह स्थितियां फरवरी माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन की हैं। इसी आधार पर हम आपको 12 राशियों का राशिफल बताते हैं, जिसमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जो जातक हैं फरवरी माह में जोश से भरे रहेंगे। जोश का मतलब उनमें एक जो भी कार्य उनके हाथों में आएगा, बहुत ही परिश्रम, संघर्ष, मेहनत और उत्साह के साथ करेंगे। ऐसा मान लो खेल खेल में ही बहुत बड़ा काम करने की क्षमता फरवरी माह में मेष राशि के जातकों को प्राप्त होगी। साथ ही साथ नए मित्रों से मुलाकात होगी और नए लोगों से मुलाकात होगी। सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, जिन नवीन व्यक्तियों से मुलाकात होगी उनसे उनको लाभ भी प्राप्त होगा। बस सावधानी क्या रखनी है कि फरवरी माह में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल की राशि का जो तत्व है वो फिर अग्नि है, और क्रोध को अगर नियंत्रण रखेंगे तो फरवरी माह मेष राशि के जातकों के लिए जबरदस्त साबित होगा। वहीं बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की, तो लंबी यात्रा का योग बनेगा, घूमने फिरने का योग बनेगा और बहुत दिनों से वृषभ राशि के जातकों का जो घर और वाहन खरीदने का सपना अधूरा है वह फरवरी माह में पूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखें, पैसे किसी को उधार ना दें और दूसरी सावधानी यह रखनी है कि चिड़चिड़ापन छोड़ दें, क्योंकि फरवरी माह में चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आप में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए चिड़चिड़ापन ना करें, नहीं तो बने बनाए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। चलिए 3 नंबर राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, यानी कि बिजनेस में, व्यापार में वृद्धि होगी। लेकिन सावधानी क्या रखनी है, चिकित्सीय खर्च बढ़ सकता है। चिकित्सीय खर्च यूँ बढ़ सकता है कि घर और परिवार में माता पिता या भाई बहन पे उनके इलाज में खर्च ज़्यादा हो सकता है। हाँ, वैचारिक मतभेद पति पत्नी के बीच भी निर्मित हो सकते हैं फरवरी माह में, इसलिए सावधानी बनाकर चलें। एक अगर बोल रहा है तो दूसरे को चुप रहना ही होगा। चलिए 4 नंबर की राशि की बात करते हैं। 4 नंबर पर कुंभ राशि सफलता देगा फरवरी का माह, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि सेहत और धन हानि दोनों योग बने हुए हैं। बिजनेस पार्टनर, यदि आपका कोई धंधा बिजनेस पार्टनरशिप में है तो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि अगर अकेले सफर करेंगे तो यात्रा सुखद होगी
और सहयात्री आपके साथ है तो कष्ट हो सकता है। पांचवें नंबर की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक एक बात का विशेष ध्यान रखें, बैंक लोन आपको परेशान कर सकता है, यानी कि उधार जिनको वसूलना है आपसे, कर्जा जिनसे आपने ले रखा है, उन लोगों का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। भाई बहनों से आपस में झगड़ा हो सकता है, पार्टनर के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा, पार्टनर से आपको लाभ होगा, लेकिन सावधानी इतनी बनाकर रखनी है अपने घमंड और अपने अहंकार को नियंत्रित करके रखें, फरवरी माह में सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं वहीं कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जो जातक हैं फरवरी माह में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, गलत खान पान के कारण आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ भी बहुत रहेगी, लेकिन यदि आप यात्रा करते हैं लंबी तो वह लाभकारी साबित भी होगी। शत्रु आपके बहुत बनेंगे फरवरी माह में, सावधान रहें। हाँ, एक बात और है, मेहनत का फल जो आप परिश्रम करेंगे फरवरी माह में, उसमें आपको मेहनत का फल जबरदस्त मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि के जातक को फरवरी माह सामान्य स्थिति से गुजरना पड़ेगा, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उनको थोड़ा सा परिणाम हासिल होगा। हाँ, मान सम्मान में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखना होगा तुला राशि के जातकों को फरवरी माह में। वहीं आठवीं राशि वृश्चिक राशि है, सुखमय जीवन रहेगा, फरवरी माह बहुत शुभ और बहुत अच्छा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, लेकिन और परिवार का भी साथ मिलेगा, दोस्तों का भी साथ मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से बात होगी, नए लोगों से लाभ मिलेगा, नवीन व्यक्तियों से भी लाभ मिलेगा। ध्यान रखें गलत संगत से दूर रहें, नशा और जुआ सट्टा लाटरी या शर्त लगाना ऐसा कोई काम ना करें, नहीं तो फरवरी माह में हानि भी हो सकती है। धनु राशि के जातक फरवरी माह में सेहत का विशेष ध्यान रखें, व्यापार और संबंध का लाभ मिलेगा, लेकिन सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा धनु राशि के जातकों को। वहीं मकर राशि के जातक फरवरी माह में खुशखबरी है, किसी के पास पैसा उधार है वो घर आके वापस देगा, यानी कि फंसा हुआ पैसा वापस होगा, मन शांत रहेंगे, दोस्तों से लाभ होगा। वहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं तो कुंभ राशि के जातक सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, इसलिए फैसला सोच समझ कर ले फरवरी माह में, मानसिक तनाव बढ़ सकता है कुंभ राशि के जातकों का, खर्चे बढ़ेंगे, स्थानांतरण के भी योग हैं, ट्रांसफर हो सकता है या फिर आपका जॉब भी बदल सकता है। वहीं मीन राशि आखिरी राशि है, मीन राशि के जातक उन्नति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, सबसे अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए फरवरी माह में है और खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी मीन राशि के जातकों को। बस एक काम करें, अपने जो राशि के स्वामी हैं गुरु का पूजन करें, गुरुवार के दिन गाय को कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें, और फरवरी माह वैसे भी अच्छा है, ग्रहों की स्थितियां मीन राशि वाले के जातकों के लिए वैसे भी अच्छी बनी हुई है, इसलिए सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता शायद ना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।